दूर से खूबसूरत दिखने वाले चांद पर इतने गड्ढे क्यों? क्या है इसके पीछे की साइंस? जाने वजह इस वीडियो में। हमारा चंद्रयान 3 इस समय चांद की यात्रा पर है। वह 170 किलोमीटर बाई 4313 किलोमीटर वाली अंडाकार चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरें इसरो ने जारी की है। इन तस्वीरों में चांद में गड्ढे नजर आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं चांद पर इतने गड्ढे क्यों हैं? अब आप जरा सुनिए चंद्रमा की हकीकत। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वैज्ञानिक दिन रात 24 घंटे 1-1 सेकेंड चंद्रयान 3 सफल हो, इसीलिए लगातार खून पसीना एक कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारे मेहनती वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में इसरो के वैज्ञानिकों के लिए शुभकामनाएं जरूर जरूर लिखना। यह हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि चंद्रयान 3 और इसरो के वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाना। और आपकी जिम्मेदारी है कि इस जानकारी को दूसरे लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। खैर छोड़िए, मेन विषय पर आते हैं। अक्सर हम किसी की तारीफ में कह देते हैं कि चांद सी खूबसूरती है, चांद जैसा मुखड़ा है, लेकिन चंद्रयान 3 द्वारा भेजी तस्वीरें दिखाकर फिर उसकी तारीफ इस तरह से करें तो सामने वाला भड़क जाएगा, क्योंकि चांद पर तो हजारों गड्ढे नजर आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि इतने गड्ढे कैसे बने? आपको हम बता दें कि चांद के पास अपनी खुद की रोशनी तक नहीं है, वह सूरज से रोशनी उधार लेकर जगमगाता रहता है। इसका मतलब यही हुआ कि चांद जैसा जो मुखड़ा होता है वह ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से चमकता रहता है, असली सच्चाई तो कुछ और ही है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी लगभग एक साथ शुरू होती है। यह बात है करीब 450 करोड़ पुरानी। तब से लेकर अब तक दोनों पर अंतरिक्ष से आने वाले लगातार उल्कापिंड यानी पत्थर गिरते रहते हैं। और सेम यही बात हमारे इसरो के मुताबिक भी है। इसरो के मुताबिक चांद की सतह पर अक्सर उल्कापिंड, छोटे ग्रह और धूमकेतु टकराते रहते हैं। इनके टकराने की वजह से ये गड्ढे बने हैं। वही कुछ गड्ढे ज्वालामुखी की वजह से बने हैं। ये गड्ढे हजारों लाखों सालों से बनते आ रहे हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में इम्पैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। पृथ्वी पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर की खोज की जा चुकी है। चांद पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। इनमें से 9137 से ज़्यादा क्रेटर की पहचान की गई है। एक दिलचस्प बात और है कि इसके अलावा भी चांद पर गड्ढे हैं जिसे इंसान अभी तक देख नहीं पाए हैं। इसका कारण उस हिस्से पर पसरा अंधेरा है। चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रेटर ही नहीं है, कुछ गड्ढे ज्वालामुखी विस्फोट से भी बने हैं। अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर सबसे बड़े गड्ढे का पता 17 मार्च 2013 को लगाया था, जब एक 40 किलोग्राम का पत्थर चांद की सतह से 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। इसीलिए दोस्तों, इस प्रकार की कई सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मेहनती वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा है। अगर हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाता है तो यह जीत जो है सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, पूरे पृथ्वीवासियों के लिए होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।